हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे एक बड़े मज़ेदार और मैथमेटिक्स की शॉर्टकट ट्रिक लेके यहाँ पे आया हूँ। तो वो है कि मल्टीप्लिकेशन और एनी नंबर बाय 11। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको ना टाइप वन टाइप टू में लेता हूँ। एक पहला एक टाइप वन में ना यहाँ पे कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल 23 है मल्टीप्लाइंग बाय 11। ठीक है, तो इससे ना शॉर्टकट में मतलब बहुत आसान तरीके से सिंपल कैसे करना है। जब भी ये नंबर लिखते हैं 23 यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो लगा लो। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन बाय दिस 11 रहता है तो इस तरह जीरो जीरो लगा के ये जो लास्ट जो नंबर रहते हैं 3+0 इसको ऐड करो तो उसकी नंबर यहाँ पे लिखो और बाद में ये दोनों को ऐड करो 2+3 हो जाएगी 5 और ये दो नंबर को ऐड करो 0+2 इज 2 तो आपका आंसर बन गया 253। इसी तरह आप थोड़ा बड़ा नंबर लेके बता दूंगा 6 मल्टीप्लिकेशन बाय 11। तो इसका आंसर कैसा मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं हम, या आप लिख लीजिए 136। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे भी एक जीरो आप लिख लीजिए, ये दो ऐड करिए। 6+0 अगर आप ऐड करोगे तो आपको आएगा 6 और ये 3+6 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने पर आपको आ जाएगा यहाँ पे 4 और 0+1 ऐड करने पर आपको होगा 1। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1496। ठीक है, तो अब उसी तरह से ये होगा टाइप वन प्रॉब्लम। टाइप टू प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। टाइप टू में क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे कैरी लेता हूँ मैं 9, 8 इस तरह के नंबर जब आएगा तो आप यहाँ पे लिखिए 9, 8 तो सेम यहाँ पे भी एक जीरो लगा लो और यहाँ पे भी एक जीरो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तब ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 8+0 आपको 8 आएगा और ये दोनों का नंबर को ऐड करोगे तो 9+8 17 हो जाएगा 7। यहाँ पे कैरी आ जाएगा, यहाँ पे पार्ट वन स्टेप वन में नहीं आया था, मतलब टाइप वन में नहीं आया था, लेकिन ये टाइप टू में यहाँ पे अगर कैरी आया तो कैसा करना है, 9+17 7 और यहाँ पे कैरी लिखता हूँ। अब ये दोनों को ऐड करो, 0+9 इज 9, 9+1 इज 10 तो आपका आंसर होगा ये। मैं और एक प्रॉब्लम आपको इधर करके बता देता हूँ, चलिए मैं थोड़ा नीचे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सो 9, 8, 9 थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ 11, तब आपको यहाँ पे लिखना होगा 9, 8, 9 यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे एक जीरो। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने पर आपको आ जाएगा 9+0 इज 9 और 8+9 हो जाएगा 17, यहाँ पे कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैरी को यहाँ पे लिख लो, फाइन 9+8 अगेन 17, 1, 18 तो 8 तो यहाँ पे कैरी को यहाँ पे लिख लो, 0+9 9 होगा, 9+1 इज 10 इस तरह आप कर सकते हैं। इस तरह से कितने भी बड़ा प्रॉब्लम हो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 3, 2, 1, 9 इस तरह के। अगर इतना बड़ा नंबर अगर आपको करना भी है मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल, ये जो भी है नंबर आपको लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 3, 2, 1, 9 तो यहाँ पे आपको जीरो इम्पेंट करना है और यहाँ पे भी एक जीरो लगाना है। ठीक है, ये दोनों को ऐड करो, 9+1 आपको हो जाएगा 9 और 1+9 आपको 10 आएगा, जीरो वो कैरी आ जाना यहाँ पे रख दो, 2+1 2+1 इज 3, 3+1 इज 4 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 5, 1+3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1+1 2 और 8+1 इज 9, 6+8 तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 14, 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो इस कैरी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 5+6 11, 11+1 इज 12 2 यहाँ पे और यहाँ पे मैं कैरी लिखता हूँ, 4+5 इज 9, 9+1 इज 10 0 और यहाँ पे मैं कैरी लेता हूँ। ठीक है, 3+4 4 इज 7, 7+1 इज 8 और इसको यहाँ पे क्या है, फिर 2+3 इज 5 और यहाँ पे 0+2 तो इतना बड़ा नंबर यू कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली। लिखना थोड़ा समय ले सकते हैं लेकिन यू कैन आप इसे देख के भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आप पे कुछ प्रॉब्लम लिखता हूँ, इसे ना कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। 236 मल्टीप्लाइंग का 11 का आंसर और यहाँ पे 999 मल्टीप्लाइंग बाय 11 का आंसर आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। इसी तरह के बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक एजुकेशनल और मैथमेटिक्स की क्लास 11 एंड 12 IIT JEE लेवल की शॉर्टकट ट्रिक हो या ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिलेटेड भी, जहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैं यहाँ पे डालते रहूँगा
और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। जब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।